वली खान चाहते थे कि बलूचिस्तान जो है पश्तून जो है वो बलोचों के साथ रहे। खान की ख्वाहिश थी कि पश्तून सूबा अलग बनाया जाए और पश्तूनों को अलग हैसियत डिक्लेयर की जाए। तो समद खान ने वली खान से इख्तलाफ किया, फिर भी कई लोग मारे गए और टेंशन पैदा हुई, बल्कि कर्फ्यू लगा गया। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मानुल्लाह शादजी मेरा नाम है और बलूचिस्तान के इशू पर, बलूचिस्तान के ऊपर बोलना चाहता हूँ। बलूचिस्तान जो है उसमें अब अगर तारीख पर नज़र रखें तो उसमें दो बड़ी कौम है, पश्तून कौम है और बलोच कौम है, और ये पार्लियामेंट के अंदर भी इसी हैसियत से मौजूद है। सूबाई पार्लियामेंट में भी और कौमी में भी, सेनेट में भी इनके प्रपोर्शन जो है आबादी के हवाले से है, और दरमियान दोनों के दरमियान एक कशमकश रही है, अब भी कशमकश है। यानी ये ख्वाहिश है, यानी पश्तूनख्वा की ख्वाहिश थी कि इस सूबा जो है इसको अलग बनाया जाए। वली खान की ख्वाहिश थी, जब ये समद खान साहब महरूम जिंदा थे तो समद खान ने वली खान से इख्तलाफ किया। वली खान चाहते थे कि बलूचिस्तान जो है पश्तून जो है वो बलोचों के साथ रहे। अब समद खान की ख्वाहिश थी कि पश्तून सूबा अलग बनाया जाए और पश्तूनों को अलग हैसियत डिक्लेयर की जाए, ताकि पश्तून अगर शामिल होने चाहे सूबा सर के साथ शामिल हो जाए या अलग होने चाहिए। ये कशमकश है, लेकिन ये पिछले इंतखाबात में ये किया कि पश्तूनख्वा ने हुकूमत बनाई बलोचों के साथ मिलकर, जिसमें अब्दुल मालिक बलोच जो है वो वज़ारत है और समद खान की पार्टी उसमें शामिल थी। मेरी ज़ाती राय है कि ये तय होना चाहिए कि जो पश्तून हैं और जो बलोच हैं, अगर एक टर्म में पश्तून वज़ीर-ए-आला हो तो गवर्नर बलोच होना चाहिए, और अगर गवर्नर पश्तून हो तो है यानी ये मुसलसल जो है 70 से बाद से बलोच वज़ीर-ए-आला बनता है। ये जब दो कौमें इकट्ठी बैठी है, दोनों भाई बिरादरान हैं, तो बेहतर है फराख़दिली का रवैया अख्तियार करना चाहिए कि पश्तून वज़ीर-ए-आला तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, पश्तून गवर्नर आ रहा है बलोच वज़ीर-ए-आला। तो मेहरबानी करें, मैं समझता हूँ, मैं बलोचों से अपील करता हूँ, अपने दोस्तों से, साथियों से, पार्टियों से, नवाबों से, सरदारों से, जो हमारी तंजीम है, दानश्वरों से, कि ये फराख़दिली का मुजाहरा करें। एक पश्तून वज़ीर-ए-आला तो क़यामत भी पड़ेगी। पश्तून भी भाई हैं, दोनों के ताल्लुकात हैं कौमों में, बल्कि शादियाँ आपस में इनकी बहुत ज़्यादा। तो पश्तून वज़ीर-ए-आला हो तो गवर्नर जो है बलोच हो, और अगर पश्तून गवर्नर हो तो वज़ीर। ये मेरे ख्याल ये हमको रवैया अख्तियार करना चाहिए ताकि नफरत की फिजा ख़त्म हो। इस मसले पर कई दफ़ा खूनरेजी हुई, कई लोग मारे गए और टेंशन पैदा हुई, बल्कि कर्फ्यू लगा गया। मेरी ज़ाती राय कि हमको फराख़दिली से अख्तियार करना चाहिए, और ये बल्कि खान कलात का मैं हवाला दूंगा, खान कलात अपनी किताब में लिखा है, उनको मौका नहीं मिला, उसने कहा कि जो बलूचिस्तान में आबादी है, बलोच है, पश्तून है, और पश्तून के अलावा हज़ारा है, उसके अंदर जो है दूसरी कौमें मौजूद है, तो 60% 80% जो है वो ये तकसीम हो, 50% बलोच हो, 40% जो है उसमें पश्तून हो, और 10% जो बाकी कौम है, हज़ारा कौम है, ये सेक्टर्स है दूसरे, ये फार्मूला सबसे बेहतर है। अगर इस फार्मूले पर अमल किया जाए तो फिर ये मसला ख़त्म हो जाएगा कि पश्तून गवर्नर है फिर, यानी अगर मुलाजमतें 100 है तो उसमें 50 जो है बलोच हो, 40 पश्तून हो, और 10 जो है बाकी सेक्टर्स है उसमें पंजाबी, हज़ार, ये फार्मूला सबसे बेहतर था खान कलात का। मेरी राय है, मैं समझता हूँ कि पश्तून और बलोच पार्टियाँ जो है, और BSO है, ये PSF है, इस्लामी जमात तलबा है, जमा इस्लामी है, इस फार्मूले पर गौर करें, डिस्कस करें, इसको ज़ेर बहस लाना चाहिए, इस पर तजिया होना चाहिए कि ये फार्मूला खान कलात महरूम का सबसे बेहतर था, उनको ज़िंदगी में मौका नहीं, अगर आर्डिनेंस जारी कर लेते ये मसला ख़त्म हो जाए। अभी जो थोड़ी बहुत टेंशन है वो ख़त्म हुई है कि बालिग की पार्टी और पश्तूनख्वा इकट्ठे हुए तो एक अच्छा तासुर था, 5 साल गुजार गए लोगों ने, 3.5 साल गुजारे। तो मेरी ज़ाती राय है कि दोबारा बैठे पश्तून दानश्वर, बैठे सियासतदान, बैठे इंटेलेक्चुअल, बैठे और ये फार्मूला तय करें कि पश्तून और बलोच इस फार्मूले पर, जो खान का है कि 100 मुलाजमतों में 60 उसके 50 बलोच हों, 40 पश्तून हों, 10 हों, कौमी असम्बली और सूबा असम्बली भी इस तरह जानती है। तो मैं समझता हूँ ये मसला जो टेंशन का ख़त्म हो जाएगा, और बेहतर सूरत है कि हम जो है फराख़दिली गुजारे करते हैं। सियासी तौर पर हमको ज़्यादा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ज़्यादा दूरंदेश होना चाहिए, ताकि कौमें आपस में लड़े नहीं, ना मुलाजमतों पर लड़े, ना कौमी असम्बली लड़े।